चलिए बनाते हैं क्विक एंड इजी हेल्दी ब्रेकफास्ट। सो इसे बनाने के लिए काजू, बादाम, डेट्स और चिया सीड को मैंने एक घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। इसे मिक्सर जार में ऐड करना है। साथ में मैंने इसमें 3 टेबलस्पून रोल्ड ओट्स ऐड किया है, 1 स्कूप हमें प्रोटीन पाउडर ऐड करना है और 1 गिलास भरकर दूध ऐड करना है और इसे ग्राइंड कर लीजिए। हमारा सुपर हेल्दी टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है ये बनकर रेडी है। क्या आप जानते हैं अच्छी हेल्थ हेल्दी खान पान के परे है और बीमारियों के प्रति जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर रेडक्लिफ लैब ने मुझे अप्रोच किया था कोलैबोरेशन के लिए। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये ब्रांड कोलैबोरेशन है, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं दिया प्रमोट करने के लिए। उल्टा इन्होंने मुझे बोला कि आप डायबिटीज़ रिलेटेड हाई फाइबर रेसिपी शेयर करिए, डायबिटीज़ रिलेटेड आप ऐसे वीडियोस बनाइए जिसमें कि हम लोगों को ये बता सके कि किस तरीके से ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। सो ये किसी तरीके के प्रमोशनल वीडियोस नहीं थे, ये कम्प्लीटली अवेयरनेस वीडियो थे एंड दिस इज़ वेरी इम्प्रेसिव। इनका ये जो अप्रोच है ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। एंड जब मैं इनके वेबसाइट को स्क्रॉल कर रही थी, एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मैं एक हेल्दी वेट को तो मेंटेन करती हूँ, लेकिन एक हेल्दी पर्सन के लिए केवल हेल्दी वेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, कई सारे हेल्थ पैरामीटर्स को जानना भी ज़रूरी है। सो मैंने अपना जो ब्लड टेस्ट है वो रेडक्लिफ लैब के थ्रू करवाया एंड द रिजल्ट्स आर आई ओपनर। मैंने तुरंत अपने डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस किए और मैं जिम रेगुलर जाना शुरू कर दी। और अपने ब्लड टेस्ट के साथ ही साथ मैंने मेरी मम्मी का, मदर इन लॉ का और मेरे हस्बैंड का भी ब्लड टेस्ट कराया। नाउ आई एम रिलैक्स्ड क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अपना मैंने एक पहला सही स्टेप लिया है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का भी, और इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर करिए जिसे इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत है।